गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अरुणा बड़गोतिया और आज हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट फाइलम जिसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। इसके पहले हमने मोलस्क पढ़ लिया था और इसका हम क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। तो इकाइनोडर्मेटा का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? इकाइंस का मतलब होता है स्पाइंस, स्पाइंस मीन्स कांटे, और डर्मा का मतलब होता है स्किन। इट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पर स्पाइंस या कांटे प्रेजेंट होते हैं, उनको बोला जाता है इकाइनोडर्मेटा। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ही इनका ये होता है कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पर स्पाइंस, बहुत ही स्मॉल स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, उनको बोला जाता है इकाइनोडर्मेटा। और सबसे पहले इस फाइलम को जैकब क्लेइन ने क्रिएट किया था, उन्होंने इसके बारे में बताया था और उन्होंने ही बताया था कि इन्हें इकाइनोडर्म क्यों कहा जाता है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट, बॉडी जो होती है इनकी अनसेगमेंटेड होती है। इसका मतलब ये होता है, जैसे इसके पहले आपने जो एनिलीड्स के जो एनिमल्स पढ़े थे उसमें आपने देखा था कि बॉडी सेगमेंटेड थी, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड थी, बट इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। सर्क्यूलर हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, या स्टार शेप्ड होती है, मतलब बायलेटरल सिमिट्री होती है। बायलेटरल सिमिट्री मतलब दोनों तरफ से पार्ट्स इनके सिमिलर होते हैं, अगर हम इन बीच में से एक लाइन बनाएं तो। और पेंटामेरस सिमिट्री भी होती है, मतलब फाइव आर्म्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। हेड इसमें एब्सेंट होता है, बट एरल और सॉरी एबोरल एंड ओरल सरफेस इसमें जरूर प्रेजेंट होती है। और टफ बॉडी वॉल होती है जिस पर एंडोस्केलेटन होता है, जो कैल्केरियस ऑसिकल्स या स्पाइंस से मिलकर बना होता है। बॉडी कैविटी जो होती है उसमें एंटोसिलोम प्रेजेंट होती है। इसकी सिलोम जो होती है उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी होता है, पेरिहिमल सिस्टम और हिमल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। इसमें पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जो इन्हीं एनिमल्स में होता है। इसमें ट्यूब फीड सिस्टम भी होता है, इट मीन्स इनमें लोकोमोशन नहीं होता है, मतलब इनकी बॉडी मूवमेंट के लिए स्पेशल ऑर्गन्स इनमें नहीं होते हैं। पर अगर इनकी बॉडी को मूव करना होता है तो उसमें क्या पाए जाते हैं? ट्यूब फीड होता है जिसमें वाटर को अंदर लेकर ये रिलीज करते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है थोड़ा बहुत इसका पोर्शन। और एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो सिंपल होती है, स्ट्रेट या कॉइल्ड होगी। रेस्पिरेशन जो होता है या तो ट्यूब फीड के थ्रू होगा या फिर ब्रेंकी के थ्रू होगा। नर्वस सिस्टम और ब्रेन इसमें एब्सेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसमें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी इसमें एब्सेंट होते हैं। मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं और लार्ज गोनेट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब स्विमिंग लार्वाज इसमें, फ्री स्विम लार्वाज इसमें प्रेजेंट होते हैं जो फ्रीली स्विम करते रहते हैं। और रीजनरेशन की इसमें ग्रेट कैपेसिटी होती है, मतलब इनकी बॉडी का कोई पार्ट अगर अलग हो गया है तो वो डेवलप हो जाता है। और एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, मतलब कि सभी कैसे होते हैं? सी वाटर में ही रहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट आता है एस्टेरॉइडिया। एस्टेरॉइडिया का मीनिंग क्या होता है? एस्टेरॉइडिया में अगर हम देखें तो जनरली जो बॉडी होती है इनकी फ्लैट होती है और स्टार शेप्ड होती है, इसलिए इसका एग्जाम्पल है स्टेरियाज। पेंटामेरस होती है, पांच पार्ट में डिवाइड होती है, फाइव आर्म्स इसमें प्रेजेंट होती है, ट्यूब फीट और सकर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एनस और मेंड्रिपुराइड जो सिस्टम होता है, ये एक तरह से एक पोर होता है, छेद होता है, जो कि एबोरल साइड पर होता है। दो साइड होती है, ओरल और एबोरल। तो ओरल जो साइड होगी इसमें माउथ होगा और एबोरल साइड पर एनस होगा। और एक और पोर होता है जिसको मेंड्रिपुराइड बोलते हैं। पेडिसिलेरी इसमें प्रेजेंट होते हैं। पेडिसिलेरी का मतलब होता है इनमें जॉज होते हैं, वो इनमें प्रेजेंट होते हैं, जॉज लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर आता है ऑफ्यूरॉइडिया। तो इसमें अगर हम देखें तो बिटल स्टार भी इसको बोलते हैं, इस क्लास में बिटल स्टार्स आते हैं, ओफ्यूरा आता है इसमें। और बॉडी जो होती है वो स्मॉल फ्लैटेड होती है, एम्बुलेक्रल ग्रूव एब्सेंट होती है, ट्यूब फीट जो होते हैं वो सकर्स के थ्रू होते हैं, पेडिसिलेरी इसमें एब्सेंट्स होते हैं और एनएस भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इसके कुछ एनिमल्स हैं, पहले वो देख लेते हैं हम, या फिर थर्ड क्लास देख लेते हैं इकाइनोइडिया। इसमें सी आर्चिन्स आते हैं, जिसको जिसकी बॉडी स्फेरिकल या बॉल लाइक होती है, ये रहा सी आर्चिन्स जिसको बोलते हैं हम। और
आर्म्स जो होते हैं उस पर स्पाइंस एबसेंट होते हैं, इसमें स्पाइंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं एस्टेरॉयडिया। एस्टेरॉयडिया का फर्स्ट एग्जांपल जो है वो एस्टेरियाज है, स्टार फिश भी बोलते हैं इनको। ये जो है इसकी डॉर्सल व्यू है और ये वेंट्रल व्यू है, जिसमें माउथ होता है वो ओरल सर्फेस और ये एबोरल सर्फेस। एबोरल सर्फेस पर एनस और मेट्रिपोराइट पोर प्रेजेंट होता है। ये सेंट्रल डिस्क होती है और पेंटामेरस सिमिट्री होती है, फाइव पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइड होती है। और ये है ऑफियोथ्रिक्स, जिसे बिटल स्टार भी बोलते हैं। ये भी फाइव आर्म्स होते हैं, इसमें भी प्रेजेंट, इसमें भी एक सेंट्रल डिस्क होती है। और ये जो होते हैं ये शील्ड्स होती हैं, आर्म शील्ड्स होती हैं, और इसके आसपास बहुत बारीक बारीक स्पाइंस होते हैं। और ये सी आर्चिन है, सी आर्चिन एकदम बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। यहाँ पर जो होता है एनस प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ जो होगा माउथ होगा, और पेरीप्रॉक्ट होता है इसमें, मेट्रिपोराइट पोर भी प्रेजेंट होता है। और ये जो है सी कुकुम्बर भी बोलते हैं इसको, कुकुमेरिया जो हम आगे पढ़ेंगे। कुकुमेरिया जो आता है वो होलोथुरोइडिया में आता है, जो क्लास होलोथुरोइडिया है उसमें ये प्रेजेंट होता है। सी आर्चिन होता है ये, सी कुकुम्बर सॉरी बोलते हैं इसको। जैसे कुकुम्बर नहीं होती खीरा ककड़ी, वैसा ही इसकी स्ट्रक्चर होती है और ब्रांचेस निकली होती है इसके ऊपर की साइड। ये एंटीडॉन है, एंटीडॉन जो है वो आता है क्राइनोइडिया में, और इसमें अगर देखें तो इसमें माउथ और एनस एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं। उससे जो होती हैं आर्म्स जो होती हैं वो नंबर्स में ज़्यादा होती हैं। तो नेक्स्ट जो इसका है, काइनोडर्म के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो देख लेते हैं हम, कि इसमें माउथ जो होता है वो लोअर साइड पर प्रेजेंट होता है, जिस पर टीथ लगे होते हैं और जो च्यूविंग फूड की च्यूविंग में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन ट्यूब फीट के थ्रू होता है या सकर्स के थ्रू होता है। स्किन जो होती है उस पर पेडिसिलरी विथ थ्री जॉज होते हैं और एनस इसमें प्रेजेंट होता है। फिर आता है होलोथिरोइडिया, जिसमें आता है सी कुकुमेरिया या कुकुम्बर। तो क्लास में सी कुकुम्बर्स आते हैं जो ककड़ी जैसे दिखते हैं, बॉडी लॉन्ग होती है, थिक होती है और कुकुम्बर लाइक होती है, आर्म्स नहीं होती है इनमें। माउथ जो होता है वो एंटीरियर और वाइल एनस इज ऑन द पोस्टीरियर एंड, माउथ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एनस होता है। माउथ के आसपास जो होते हैं बहुत सारे टेंटेकिल्स लगे होते हैं। ट्यूब फीट जो होता है उस पर सकर्स लगे होते हैं और पेडिसिलेरी इसमें एब्सेंट्स होते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है उसमें रेस्पिरेटरी ट्री के थ्रू होता है, मतलब ऊपर जो होते हैं इसमें बहुत सारे ब्रांचेस लगी होती है जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। फिर आता है पेलमेटोजोआ, ये सिंपल ही होते हैं, ये सब फाइलम है इसका, जिसमें स्टॉल्क या सेडेंटरी काइनोडर्म्स आते हैं, मतलब कि ये मूव नहीं कर पाते हैं, एक ही जगह चिपके हुए रहते हैं किसी सतह से या सरफेस से। तो इसमें आता है क्राइनोइडिया, क्राइनोइडिया जो आते हैं उसमें सी लिलीज आती हैं, वो सी लिलीज भी बोलते हैं। और बॉडी जो होती है वो किसी पार्ट से, मतलब एक स्टॉल्क से अटैच्ड होती है अपनी पूरी लाइफ में। और फाइव आर्म्स जो होती हैं वो सेंट्रल डिस्क से निकली होती हैं। माउथ और एनस जो होते हैं वो ओरल साइड पर एक ही जगह पर प्रेजेंट होते हैं, ये मैंने बताया आपको एंटीडॉन में, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ओरल सरफेस पे सिलिएटेड होते हैं, मतलब सीलियाज लगे होते हैं बहुत सारे। ट्यूब फीट जो होता है विदाउट सकर्स होता है, मेट्रिपोराइड और पेडिसिलरी एब्सेंट होता है। तो ये तो इकाइनोडर्मेट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट फाइलम हम पढ़ेंगे हेमिकॉर्डेटा। थोड़ा स्पेशल है ये, स्पेशल क्यों है मैं इसका रीज़न बता देती हूँ। हेमी का मतलब होता है हाफ और कॉर्डेट का मतलब होता है कॉर्ड। अब इसके पहले जितने भी ऑर्गेनिज़म्स आ रहे थे उन ऑर्गेनिज़म्स में अगर देखा जाए तो किसी टाइप की कोई कॉर्ड प्रेजेंट नहीं थी। कॉर्ड क्या होती है, तो जब हमारा डेवलपमेंट होता है इन मदर बॉम्ब के अंदर, जब मदर के अंदर हमारा डेवलपमेंट होता है तो हमारा डेवलपमेंट गैमिट के फ्यूज़न से होता है। जैसे गैमिट्स फ्यूज हुए हैं तो फिर हम किस में कन्वर्ट होते हैं, एक सेल में कन्वर्ट होते हैं जिसको जायगोट बोलते हैं। ये जो जायगोट होता है इसमें डेवलपमेंट जब स्टार्ट होता है तो ये सेल का एक मास बनाता है, फिर सेल में जो होती है लेयर्स फॉर्म होती हैं जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, और इसी के अंदर बनती है नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड जो होती है हमारे ब्रेन के लिए और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्मेशन या डेवलपमेंट में का ही काम करती है, मतलब ये जो होती है हमारे सेंस ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में हेल्प करती है।
एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म जो है वो आउटर, मिडिल और इनर ऑर्गन्स बनाती हैं। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। तो इसके पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म्स पड़े जिनको हम इनवर्टिब्रेट्स बोल रहे हैं, चूँकि अगर हम ऐसे एनिमल्स को कैटेगराइज करें तो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट होते हैं। पहले कौन आते हैं? इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। क्यों आते हैं इनवर्टिब्रेट्स? क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है, मतलब इनमें प्रॉपर ब्रेन भी नहीं होता है, सिर्फ गेंगलियाज प्रेजेंट होंगे या फिर जॉइंटेड नर्व्स प्रेजेंट होगी, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, बट प्रॉपर नर्व सिस्टम या प्रॉपर ब्रेन इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर हम देखें तो इसके बाद के जो एनिमल्स होते हैं, तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है हेमिकॉर्डेट। हेमी मतलब हाफ कॉर्डेट जो, क्योंकि इसके बाद जो कॉर्डेट आएंगे वो कंप्लीट कॉर्डेट होंगे, जिनमें कि ब्रेन जो होगा वो डेवलप होगा, चाहे और चीज़ें सेंसेस उतना डेवलप नहीं हो जितना मनुष्य में या ह्यूमन बींग्स में होता है, बट कुछ चीज़ें जो होंगी वो वेल डेवलप्ड होंगी, मतलब ब्रेन वगैरह उनमें कुछ डेवलप हो जाएंगे। तो हेमिकॉर्डेट जो होते हैं वो एक्चुअली इनवर्टिब्रेट और कॉर्डेट के बीच में लिंक का काम करते हैं, क्योंकि इनमें दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? हाफ कॉर्डेट बोलते हैं। तो इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसमें जो आता है बेलेनोग्लॉसेस आता है, इसका एक एग्जाम्पल लिया है जो है बेलेनोग्लॉसेस। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं हेमिकॉर्डेटा के, चूँकि हेमिकॉर्डेटा इनवर्टिब्रेट और कॉर्डेट के बीच लिंक हैं, तो इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। फर्स्ट होता है ये सॉलिटरी होते हैं और कॉलोनियल होते हैं, या तो ये सिंगल रहेंगे या कॉलोनी में रहेंगे, और ये होते हैं ट्यूब के अंदर, मतलब ये जैसे समुद्र होता है, समुद्र के तल में ये कहाँ रहेंगे? समुद्र तल में एक बरो बनाकर ये रहते हैं, और बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कि बीच में से अगर इनकी बॉडी पर लाइन बनाओ तो दोनों पार्ट सब सिमिलर होते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब थ्री जर्म लेयर्स इनमें प्रेजेंट होगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लॉन्ग होती है और वर्म लाइक होती है, वर्म मतलब सिलेंड्रिकल लॉन्ग, ठीक है। और बॉडी जो होती है वो थ्री पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको बोलते हैं प्रोबोसिस, ये आपको दिख रहा होगा, जिसको सुंड भी बोलते हैं, ये प्रोबोसिस वाला हिस्सा है, ये कॉलर है, और बाकी की पूरी ट्रंक है, और लास्ट में इसके टेल होती है, टेल वाला पोर्शन है ये वाला, जिस पर एनस होता है। और इसमें अगर देखें तो सिलोम, एंटीरोसिलोस होती है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रोबोसिस से, और कॉलर तक जाती है और फिर ट्रंक तक जाती है, और लास्ट में क्या होता है? एक पोर होती है जिसे ओपन होती है। एलिमेंट्री केनाल इसकी कंप्लीट होती है और यू शेप होती है। एलिमेंट्री केनाल मतलब ये ट्यूब जो दिख रही है आपको, ये एलिमेंट्री केनाल है, जिसमें कि इसका फूड यहाँ से जैसे अंदर जा रहा है फूड, तो ये एक लाइन में ही चलता है, जिसको एलिमेंट्री केनाल बोलते हैं। और रेस्पिरेशन बाय गिल्स होता है, गिल्स की नंबर फिक्स्ड नहीं होती, बहुत सारी हो सकती, यहाँ पर ये गिल्स पोर होते हैं छोटे छोटे। और एक्सक्रीशन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, ये इसके प्रोबोसिस के पास में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिससे कि ये पदार्थ जो भी सब्सटेंस होते हैं उसको एक्सक्रीट करता है। और इसमें ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है जो ब्लड वेसल्स से अटैच होता है। नर्व सिस्टम जो होता है वो प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव मतलब बहुत ज़्यादा पुराना होता है, मतलब कि इसमें प्रॉपर ब्रेन होना हो पर नर्व फ्लैक्स जरूर होते हैं। और यूनिसेक्सुअल होता है, और वन और मोर देन वन पेयर गोनेट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बाहर होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं टर्नेरिया लार्वा। तो ये हेमिकॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसमें कुछ इसका भी क्लासिफिकेशन है, इस फाइलम का भी। इसमें टू क्लासेस इसमें प्रेजेंट होती हैं, फर्स्ट है एंटेरोन्यूस्टा, तो ये जो होते हैं वर्म लाइक होते हैं और इनस्टॉक्ड होते हैं, किसी चीज़ से जुड़े नहीं होते हैं। एंटेरो का मतलब होता है गट, न्यूस्टर्स का मतलब होता है ब्रीथेड, मतलब कि जो गट ब्रीथेड हो। और प्रोबोसिस जो होती है सिलेंड्रिकल होती है, टैपरिंग होती है, और टूवर्ड एंटीरियर होती है, मतलब ऊपर की तरफ होती है। देर इज़ अ रो ऑफ गिल्स लीड्स ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फेरिंग्स, मतलब कि गिल्स जो होते हैं वो स्लिट क्या होती है मैं बता देती हूँ, जैसे गिल्स हैं तो उसमें से ऐसे इस टाइप की स्लिट्स बनी रहती हैं, स्टेप्स बनी रहती हैं। एलिमेंट्री केनाल लॉन्ग होती है, जो माउथ टू एनस होती है, और स्ट्रेट होती है। यूनिसेक्सुअल होते हैं,
और बहुत सारे गोनेट्स, सैक लाइक गोनेट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसका भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और टर्नेरिया लार्वा इसमें भी प्रेजेंट होता है। और इसका भी जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल एक्चुअली है बेलेनोग्लॉसिस जो एंटेरोपनेस्टा में आता है। फिर आता है एंटेरोब्रैंकिया। एंटेरोब्रैंकिया का मतलब, एंटेरोन का मतलब होता है फीदर और ब्रैंकियन का मतलब होता है गिल, मतलब कि ऐसे एनिमल्स जिसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें कॉम्पैक्ट स्टॉल बॉडी होती है, प्रोबोसिस जो होती है उस पर लाइक अ शील्ड होती है, शील्ड जैसी दिखती है। और इसमें जो होता है लोपोपोर विथ सिलिएटेड आर्म्स। पेरिंग्स जो होता है उसमें वन पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं या कभी कभी एबसेंट होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल यू के जैसी दिखती है जो एनस तक जाती है। यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बायसेक्सुअल भी हो सकते हैं। और सम मेंबर्स रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। कभी कभी बर्ड से भी, मतलब इनकी बॉडी से एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है, वो टूट कर अलग होगी और नया एनिमल्स बना लेंगी। और एग्जांपल है इसका रेप्टोप्लूरा और सिफेलोडिस्कस, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब कुछ बोनस लर्निंग्स हैं, जैसे कि सी पेन को क्या बोलते हैं, पेनेंटुला बोलते हैं। सी फैन को बोलते हैं गोर्गोनिया। सी एनिमोन को मेट्रिडियम। सी हेयर, मतलब सबके नाम ही जनरल नॉलेज की क्वेश्चन नहीं है। सी हेयर को बोलते हैं एप्लेसिया। सी माउस को बोलते हैं एप्रोडाइट। सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस होता है। आते सभी अलग अलग फाइलम में ही है। सी लिली को एंटीडॉन बोलते हैं। सी स्टार कौन सी होती है, एस्टीरियास जो फिश है। सी कुकुम्बर कुकुमेरिया को बोलते हैं। सी आर्चिन खाइनस को बोलते हैं। और सी काउ गाय जैसी जो दिखती है उसको ट्राइकेकस को बोलते हैं। इसके बाद आता है कॉर्डेड। यहाँ से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, काइनोडर्मेट फाइलम और हेमिकॉर्डेट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉर्डेट। थैंक यू।